सुबह का ये टाइम तो कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता ये वैन आ गई है वैन में बैठते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये सुबह सुबह मुँह अंधेरे कहाँ निकल पड़ी हूँ तो जनाब मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पर और आज मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस खूबसूरत सफर में अपने साथ लेके चलूँ सोचा थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा तो जी मैं दरिया सिंध के किनारे हैदराबाद के करीब एक छोटे से टाउन में रहती हूँ बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ मदर ऑफ़ थ्री बॉयज़ सो यू कैन कॉल मी वर्किंग हाउस वाइफ वर्किंग मॉम्स के लिए अपने घर बच्चों और नौकरी को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेट करते हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता लाइक like, मैं सुबह निकल आती हूँ तो मेरे बच्चों के नाश्ते की और स्कूल लंच की ड्यूटी जो है वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से पूरी करते हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाने में टाइम होता है वो दस बजे तक ऑफिस जाते हैं तो इसलिए वो आराम से ये काम कर लेते हैं स्कूल लंच में बच्चों का वीकली फ्रीज़ कर देती हूँ बना के तो उसको जस्ट निकाल के फ्राई करना होता है कभी नागट्स होते हैं कटलेट्स होते हैं या ब्रेड रोल्स वगैरह जो भी है उसको जस्ट फ्राई करके देना होता है आजकल के दौर में हस्बैंड और वाइफ दोनों का कमाना दोनों का जॉब करना बहुत ज़रूरी है वरना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है अब हमारा तीन घंटे का सफ़र ख़त्म हुआ और हम बैठ गए इस शाही सवारी में मतलब चिंगजी में और हम पहुंचते हैं कॉलेज जी जी हम ये कॉलेज पहुंच चुके हैं कॉलेज पहुंच के अब हम अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और आपसे मुलाकात होगी सीधा किचन में okay. तो जी वेलकम टू टमिलीश किचन जहाँ आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल फ्राई तो उसके लिए मैंने दाल ले ली है दाल मैं बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि आपने मेरी रूटीन देखी है मॉर्निंग किस तरह से होती है मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है तो मैं थक जाती हूँ तो इसलिए मैं चीज़ों को फ्रीज़ करके रखती हूँ तो ये मैंने बॉइल करके रखी हुई थी फ्रीज़ हुई भी, भी उसको मैंने पानी से गर्म पानी में से डाल के निकाल लिया है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और डिफ्रॉस्ट हो जाए अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है इसमें मैं ऑयल डालूँगी और ऑयल डाल के इसको गर्म कर लूँगी ऑयल डालते हुए ख़्याल रखिएगा कि ये हमने इसको बघार भी लगाना है तो ऑयल थोड़ा कम ही डालिएगा तो यहाँ मैंने तकरीबन क्वार्टर कप से कम ऑयल डाला है अब मैं इसमें प्याज डालकर फ्राई कर, कर लूँगी यहाँ मैंने एक प्याज स्लाइस करके डाली है साथ में मैंने एक तेज़ पत्ता डाला है और इसको डाल के मैंने फ्राई कर लेना है इतना कि ये पिंक हो जाए इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि ये रेडिश हो जाए अदरवास सालन का कलर चेंज हो जाएगा साथ में मैंने ये तीन से चार टमाटर हैं बड़े साइज़ के वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं और एक अदरक की जूलिन कटिंग तकरीबन एक इंच का टुकड़ा है उसकी जूलिन कटिंग करके वो भी इसमें डाल दी है अब मैं यहाँ पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है आधा चम्मच के करीबी कुटी मिर्चें डाली हैं और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन उतनी देर के लिए कि जब तक हमारे ये टमाटर सॉफ़्ट हो जाए और ग्रेवी टाइप की बन जाए दस मिनट पकने के बाद ये टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गए हैं अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके भून लूँगी और इसके ताकि छिलके जो हैं वो सारे मैश हो जाएं और वो साबित ना रहें तो इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए अब यहाँ ये यह टमाटर बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं तो अब मैं इसमें हमारी जो चने की दाल है बॉईल हुई हुई वो मैं ऐड करूँगी थोड़े से पानी के साथ दाल बॉईल करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि हम अर्जेंटली कभी पकाना पड़ जाए तो हम बस निकालो और डीप्रॉस्ट करो उसको और पका लो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसको पकने में और एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हो जाती है तैयार तो ये जो मैंने दाल है ये इसमें ऐड कर दी है और अब इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी और ऐड करूँगी और इसको आ, कवर करके हम इसको 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि दाल के अंदर ये जो सारा स्पाइसेस का आ, फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब हो जाए 10 मिनट तक ढक पकाने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि बिल्कुल तैयार है इसके अंदर जितने भी हमने फ्लेवर दिए थे वो सब दाल के साथ मिक्स हो गए हैं दाल में कोई भी पान नहीं है अब हम इसका बघार तैयार करेंगे और उसको बघार देंगे। आइए बघार के लिए मैंने फ्राइंग पैन चूल्हे पर रख दिया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी घी दो टेबल के करीब मैं इसमें घी ऐड करूँगी घी डालने से बघार बहुत अच्छा लगता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अगर आप चाहें तो आप इस पर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं घी गरम हो जाएगा तो ये मैंने एक छोटी प्याज ली है वो स्लाइस करके वो इसमें मैंने डाल दी है वो थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेगी तो उसमें हम फर्दर चीज़ ऐड करेंगे अभी प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है तो मैं इसमें थोड़ा सा सफ़ेद जीरा और दो से तीन लौंगे मिर्चें हैं वो भी ऐड कर दूंगी हम अभी हमारा बघार तैयार हो गया है और अब मैं इसको दाल में डाल दूंगी तो जी ये थी आज की हमारी रेसिपी आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अब इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दस्तरखान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए आमीन आमीन अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़